कौन है गनाली? आपके लिए गनाली कौन है? Currently, a mother. बस जब एक इंसान माँ बन जाए तो फिर और कुछ नहीं होता. हाँ. तो वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. शादी के बाद करियर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा हो जाता है या ये पुराने वक्तों की बातें थी? नहीं, हो जाता है. फिर जब हो जाता है? हाँ, हो जाता है, ऑफ कोर्स. किस सेंस में? मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत की जब शादी होती है तो उसकी जो क्रिएटिविटी होती है ना उसके काम में, वो काफ़ी हद तक मर जाती है. गना अली ने कहा कि औरत की जब शादी होती है तो उसकी क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक मर जाती है. इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मेरे साथ ये हुआ. मैं अपने आप को इसमें बोलूँगी कि जब आई वॉज सिंगल आई कुड फोकस मोर इन डूइंग डिफरेंट रोल्स, आई कुड गिव मोर टाइम. अब मैं ये सोचती हूँ कोई भी चीज़ साइन करने से पहले कि क्या वो चीज़ मेरे बच्चों को अफेक्ट करेगी, क्या वो चीज़ मेरी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करेगी, बिकॉज आई हैव टू बी प्रेजेंट विद देम. अगर आपने एक औलाद पैदा करके उसकी अच्छी तरबियत कर दी जिसने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया, उससे बड़ा कोई काम ही नहीं. दैट्स ऑल अबाउट इट. मतलब लेट्स सपोज मैं फील्ड को टाइम दे दूँ, लेट्स सपोज मैं वो 2 साल काम कर लूँ, सो वॉट? 10 साल, 8 साल, 12 साल, फिर फैमिली तो चाहिए ना. एटलीस्ट नाउ आई हैव अ फैमिली जो मेरे साथ रहेगी. मैं घर जाऊंगी, मेरा इंतजार कर रही होगी. जो लोग शादियां नहीं करते और सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्या वो मिस आउट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे? ऑफ कोर्स फैमिली इज इंपॉर्टेंट. आई नो, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या मैसेज है उनके? नहीं नहीं, मैं आई पर्सनली फील यू नीड अ कंपेनियन इन योर लाइफ. मैं जो 7 साल या सॉरी 7 साल तो नहीं, 3 साल हो गए, तो 5-6 साल मैं अकेले रही हूँ. आई यूज़ टू मिस पीपल अराउंड मी. अब मैं घर जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे होते हैं. पहले कौन होता था? घर जाती थी, नेटफ्लिक्स इंतजार कर रहा होता था. अरे नेटफ्लिक्स आपका बेटा था. लेकिन आप देखें ना, इट्स सो ब्यूटिफुल. छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, हंसते हैं आपको देख के, यू फील दैट्स एवरीथिंग. और मैंने ये भी सुना है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, 20, 21, 22, 23, तब माँ बाप कहते हैं बच्चे ही ठीक थे. नहीं, लेकिन दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अगले 5 साल किस तरह देख रही है इंडस्ट्री में अपने आप? अब काम करूंगी, लेकिन वन प्रोजेक्ट एक टाइम. पहले क्या 20 पकड़े होते थे? हाँ ना, आई यूज्ड टू वर्क एवरी डे. पैसा कमाया? माशाल्लाह, तालियां. नहीं, अब जेलस हो रहे हैं ना, अपनी ताली बजाई दो. आपने कहा कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, क्या कहानी क्या है इस बात के पीछे? मैं मर्दों को इसलिए उस चीज में नहीं लेके आती, बिकॉज मर्द. अच्छा, औरतों में औरत की दोस्त नहीं है आपके हिसाब से? अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और अगर पुरानी वजह इसकी क्या है? यार, आई कुडंट मेक एनी फीमेल फ्रेंड्स. आपने कितने साल एक्टिंग की? 7-8 years. 7 सालों में आप कोई फीमेल फ्रेंड नहीं बना सकी? बस इस हद तक बनाई है कि काम किया और काम ठीक है. नहीं नहीं बनी. नहीं, क्या वजह थी? कोई बनना नहीं चाहती थी या आपने कदम नहीं उठाया? बोथ वेज, बिकॉज बनना तो वो तब जाएंगे ना जब मैं उसको ऐसे सिग्नल्स दूंगी कि यस वी कैन बी फ्रेंड्स. प्रेशर में कभी आई है शुरू शुरू में कि ना चाहते हो कुछ किया हो पीयर प्रेशर के अंदर कूल बनने के लिए? आई एक्चुअली विश कि मैं बहुत सारी चीजें ना. एग्जांपल शेयर करें. आई स्टिल रिमेंबर, आई रिग्रेट अलॉट कि मैं एक दफ़ा एक शूट पे थी. सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने आई थिंक किसी जूनियर आर्टिस्ट को एक दफ़ा हर्ट किया था, वो रोते हुए चली गई थी. आपने किसी जूनियर आर्टिस्ट को हर्ट किया? आई स्क्रीम्ड एट हर. जो भी उसने किया, आई कुड इग्नोर दैट जस्ट टू शो दैट आई एम समथिंग. आई डिड दैट एंड आई स्टिल फील कि कभी वो लड़की मुझे मिली, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी कि आई शुडंट हैव डन इट. क्योंकि चली गई वो? हाँ, वो रोते हुए, मैंने ये सुना कि वो रोते हुए चली गई. अच्छा, आप उससे माफी अभी मांग सकती हैं नेशनल टेलीविजन पे? नहीं, माफी मांगने वाला बड़ा है. कितनी बड़ी बात की नेशनल टेलीविजन पे. आई थॉट यू सेड कि वो यहाँ पे है. नहीं नहीं, नेशनल टेलीविजन पे है, देख रही होगी शो हमारा. आई थिंक आई एम सेइंग दैट कि मतलब इफ आई हर्टेड एनीबॉडी इन द जूनियर कास्ट, ठीक है, आई वॉन्ट टू से आई एम रियली 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 सॉरी. गना आपसे आज माफी मांगती हैं, और खास तौर पे वो लड़की जिस पे ये चीखी थी. संगदिल का संगदिल ड्रामा था वो, और असद जबल उसको डायरेक्ट कर रहे थे. एंड देयर वाज दिस वन गर्ल, सो आई रिमेंबर यू एंड आई स्टिल फील कि मुझे तुमसे उस वक्त ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी. एंड आई रियली सॉरी. आई एम रियली 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 वेरी सॉरी. बहुत बड़ा दिल है.
माफी मांगने वाला बड़ा होता है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। गलती हुई हुई, लेकिन उसका एहसास जब भी हो माफी मांग लो। अब क्यों है इतनी अच्छी? अपने से बड़े आर्टिस्ट को डांटा है वैसे मैंने? हाँ। अपने से बड़े आर्टिस्ट को लड़ाइयां हुई हैं कि बड़े वो सुना है ना, छोटे के साथ तो हर कोई लड़ लेता है, वटेदाल दसों की होया है। जो मैं गायब हुई थी बीच में 2 साल, वो इसीलिए तो उसने गायब करा दिया। उसने नहीं गायब कराया था, ये करण जौहर नहीं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन द थिंग इज कि वो मैं खुद ही हुई थी, वो मैं खुद ही हुई थी, बिकॉज़ मुझे फील हो गया था कि वो बहुत ज्यादा जो है ना मेरी पर्सनालिटी, आपका उसका वैड हो गया था। आपने खुद ही कहा कि मैं मोस्टली नेगेटिव रोल्स करती हूं, इसकी क्या वजह? पॉजिटिव करना पसंद नहीं करती? मैंने किया था ना पॉजिटिव अभी रिसेंटली, जिस पे मैंने खत्म किया, मतलब बीच में ब्रेक लिया था, उससे मैंने पॉजिटिव किया था, मैं बीच में छोड़ के भाग गई थी। आई कुडंट डू इट। भागी क्यों थी? आपके फैंस परेशान थे। क्या करूं मैं पॉजिटिव करके? क्या चार एक्सप्रेशन? तो वो जो आपके फैंस आपको देखना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर देखना चाहते हैं, उनका नहीं सोचा आपने? तो मैं आ रही हूं ना, मैं कर रही हूं, इतना एहसास नहीं था? अब मैं कर रही हूं, उन्हीं के लिए कर रही हूं। 2 साल जो उनको टॉर्चर किया उसका क्या? तो बच्चे ना पैदा करूं। आप सारे जो सोशल मीडिया पे शिकायत कर रहे थे गाना कहां है, गाना कहां है, वो ज्यादा जरूरी काम कर रही थी, ठीक है। रिसेंटली यूट्यूब भी शुरू किया? हाँ। टीवी से बोर हो गई या डॉलर कमाने की जो ख्वाहिश थी? नहीं, मैं बताती हूँ, मेरी नीज ने मुझे फोर्स किया कि आई शुड। फोर्स किया? हाँ। अच्छा। सो आई मेक इट, लेकिन अब उसको उसके ऊपर इतना टाइम देना पड़ता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये सिर्फ किस्म के व्लॉग्स बना रही? आई वांट टू डू स्किन केयर एंड मेकअप। स्किन केयर और मेकअप? हाँ। यूट्यूब पे क्या करती है? YouTube पे मैं स्किन केयर मेकअप से रिलेटेड ही ज़्यादा कर रही हूँ। मैं चाह रहा हूँ शो की एनर्जी को इंक्रीज़ करें, और हमारा लिपसिंग बैटल का सेगमेंट है जिसमें लोग आपको टीवी पे देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, फिर आप टॉक शोज पर जाती हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनके जवाब देती हैं, लोगों को पता चलता है आप कौन इंसान है, जिसकी वजह से लोग आपसे और प्यार करते हैं और हमारा टीवी शो भी हिट होता है। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपका फेवरेट गाना लगता है तो गाना अली उसको किस तरह गुनगुनाती है, किस तरह इन्जॉय करती है? नेक्स्ट सॉन्ग के लिए अगर आप तैयार हैं, क्योंकि घना जी भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और आप भी रेडी हो जाएं, लेट्स प्ले द सॉन्ग। थैंक यू। अरे तुम्हें गेस्ट की जरूरत नहीं है, अकेला ही काफी है। ये गाना भी बन जाएगा, ये मोमेंट भी बन जाएगा। अब आपके एक्सप्रेशन चाहिए, लोग आपकी एक्टिंग के फैन हैं। करें जी।